किसी स्त्री के रोने की आवाज, जिसने मेरी निद्रा को तोड़ा है। अन्याय रावण, महाराज, ये आपके कार्य आपकी शान के सरासर खिलाफ है और मुझको आपकी इस कार्यवाही पर तुम यहां? मैं तो तुम्हें वहां बिठा कर आया था, पर यहां भी तो आप ही ने बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब? मालूम होता है तुम किसी धोखे में आ गए हो और सब गलती खा गए हो। प्राता जी, ना तो मैं किसी धोखे में आ सकता हूं और ना ही गलती खा सकता हूं, मगर जो विधाता ने रचना था उसे कैसे टाल सकता हूं? किसी ने आप जैसी आवाज में मुझे सहायता के लिए पुकारा कि भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ, जिसे सुनकर जानकी माता रोने लगी और वही प्राण खोने लगी। मुझे भेजने के लिए बहुत इकरार किया और जब मैंने इनकार किया तो मुझे बुरा व बदमिया ठहराया, जिसे सुनकर मुझे मजबूरन यहां आना पड़ा। ये सरासर चाल साजी है और उसी राक्षस की चालबाजी है। महरीज बना था माया प्रकट, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर पे मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। मैंने आधी दफा तुम्हें इतना समझाया, मगर अफसोस तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। दुश्मन मौका पाकर अपना मार चला गया, मुझे हमेशा हमेशा के लिए काट में मिला गया। औरत जाती तो जानता संभालता, उसको अकेली छोड़ना बुलाना उसका काल था। निश्चिंत थे हम इसलिए तू जो वहां बसता था।
बेखबर काफिल था तू, शत्रु लगाए खात था। शातर निशाचर कोई हम दोनों को धोखा दे गया। धिक्कार जीते जी हमारे, वो जानकी को ले गया। इनकमिंग कॉल फ्रॉम सेक्शन 2। की और तक कदम बढ़ाए। लक्ष्मण, ये तुम्हारी कामे ख्याली है, वरना पंचवटी तो बिल्कुल खाली है। चलिए भ्राता जी, आप घबरा क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत में तो बड़ी सहन शक्ति थी। मेरी सब सहन शक्ति खाक में मिल गई, गोया जिसमें मगर जान तन से निकल गई। जान की पाई थी जो बाजी लगा कर जान की, अरे वन में लाए थे जिसे साथी बनाकर जान की, आए उठा कर ले गया जान तन से ले गया, आए उठा कर जान की। दे रहे धीरज हमें हो तुम गवा कर जान की। सीते 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 प्यारी मैं तुमको बुलाता हूँ, तेरी सुबह
मुसीबत को और घबराना, घोया मुसीबत को और बढ़ाना है, इसलिए जरा धीरज रखिए। वही पंचवटी जिसमें जिंदगी बढ़े जो आराम से कटे, अब बिल्कुल नहीं बाती, काले को हसी। ओ तूने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर तेरी छाती ना फटी। ओ जाले, तूने मेरी प्यार प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया? अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्या तू भी इस चाल में शामिल है? भ्राता जी, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और माँ सीता की खोज करते हैं। चलो लक्ष्मण, जल्दी चलो, यह पंचवटी अब मुझे बिल्कुल नहीं भाती। जल्दी चलो लक्ष्मण। सीते, तुम कहाँ हो सीते? चलिए भ्राता जी, क्या तुमने उसको कुल पहली देखी?
सिंह को गरज कर बतला दो, देखा है कहीं सिंगली को, हंसो मत हंसो, हंसो मत हंसो, बतला हो तो चलकर कहीं देखा है उस राज हंसने को, सिंगो गरज कर बतला दो, देखा है कहीं सिंगली को, पहरेदारो हो एवं वृक्ष हो, बोलो वन देवी किधर गई, ए जंगल की लताओ बताओ वो इधर गई यहाँ उधर गई, लक्ष्मण कोई बोलता क्यों नहीं, सब काम हो जाए चीज
रामन जान की होगी, मैं गांठ टूट लाऊंगा। चलिए भ्राता जी, अब देरी मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि माँ सीता दूर तक निकल जाए। तक मेरी आवाज वहां तक पहुंचा दे, कोई है जो मुझे उनसे मिलवा दे। लक्ष्मण जरा सुनो, ये दर्द भरी आवाज कहां से आ रही है? भ्राता जी, ऐसे लगता है जैसे कोई दर्द से कर्रा रहा और आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हूं। लक्ष्मण चलो जल्दी देखते हैं, शायद शायद इससे ही कुछ सीता का पता मालूम हो जाए। लक्ष्मण चलो लक्ष्मण भ्राता जी गजब हो गया, ये तो महाराज जटायु घायल पड़े हैं। बेटा क्या कहा, जरा मेरे नजदीक आओ और मेरे मुंह में थोड़ा पानी डालो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। लक्ष्मण तुम जल्दी किसी पात्र में जल लेकर आओ। लीजिए जटायु महाराज, आप जल पीजिए। सती को मैंने चिल्लाते हुए देखा, उसे लंकापति रावण को ले जाते हुए देखा,
किया संग्राम उससे हो गया घायल मुझे तुम्हारी जान की पिता दशरथ के प्रण और प्यार की सौगंध खाता हूँ, प्रिय माता के भार की सौगंध खाता हूँ, सती सीता के सत्कार की सौगंध खाता हूँ, मैं लक्ष्मण जैसे प्रिय भ्राता की सौगंध खाता हूँ, धनुष बाण और तलवार की सौगंध खाता हूँ, लिए जिसने तुम्हारे प्राण मैं उसके प्राण ले लूंगा, जिसने की तुम्हारी हार मैं उसकी जान ले लूंगा। लक्ष्मण चलो लक्ष्मण तैयारी कर, जटायु दादा के अंतिम संस्कार में तैयारी कर। चलो लक्ष्मण
भ्राता जी देखिए, काले बादल के समान श्याम रंग वाला यह वन, जिसकी वायु ना अधिक शीतल है और ना गर्म है, और वह देखिए सामने कितना सुंदर और मनोहर आश्रम है। परंतु कोई ऋषि मुनि भी दिखाई नहीं दे रहा। लक्ष्मण जरा सुनो, ये आवाज कहां से आ रही है? मेरा नाम राम है। राम,
रुकिए रुकिए रुकिए, आइए प्रभु। तुम्हारा क्या मंगल करें? पधारे नीच के घर, जो त्रिलोक के मालिक है, मुझे अपना रहे हैं हम, जो समस्त सृष्टि के बालक, वो अमृत के सरोवर के पास चलाया। मुझ जैसे नीच आज ब्रह्म है, पत है पाया। अच्छा देवी, अब हमें आज्ञा दो। नहीं नहीं प्रभु, भूल होगी, मुझसे भूल होगी प्रभु। रुकिए, मैंने आपको भोगी नहीं लगाया। रुकिए प्रभु, रुकिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते मेरे राम वही, कोई बुला के देख ले। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। सबरी तुम जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। लक्ष्मण जरा सा भी खा कर देखो, खट्टे मीठे बे कितने स्वादिष्ट हैं। लो लो, मगर भ्राता जी, बिल्ली के घर के ये पैर हमारा मन ही नहीं मानता। क्या करें लक्ष्मण, ये फल ही ऐसे हैं जिन्हें छोड़ने का मन ही नहीं चाहता। मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या आपको इस समय मर्यादा का विचार भी नहीं आया? लक्ष्मण, प्रेम में नियम का क्या काम, श्रद्धा का शीश, मर्यादा के बच्चे चोर चोर नहीं हो सकता।
इसलिए हमको रुच रुच कर भोग लगाए और भिल्ली के बे पेट भर कर खाए। प्राता जी, परंतु हमारा मन नहीं मानता। लक्ष्मण, जाति जन्म से होते हुए भी धर्म नहीं मानता है। जन्म से ऊंचा नहीं कोई ऊंचा और नहीं कोई नीच नहीं। मिले ना यदि जग में मैं तो बनता कीच नहीं। कमल जो कीच से निकले सराहा जाता है और वही देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। शंका का निवारण हो गया भैया। बिल्ली बहन, तुम्हारे ये खट्टे मीठे बेर हमारे भैया को बहुत अच्छे लगे हैं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य। मेरे परसों की तपस्या सफल हुई। तुमने इस प्रकार से भक्ति की है, अच्छा है। अब हमें चलने की आज्ञा दो। क्या हुआ बिल्ली बहन? हम इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि हमारी धर्मपत्नी सीता को कोई उठाकर ले गया है। अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप हमें बताइए। आप ही हमें कोई मार्ग बताइए। प्रभु, आप यहाँ से पंपा पोस्टर जाइए। वहाँ पर आपको महाराज सुग्रीव जी मिलेंगे। वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है भिल्ली, अब हमें चलने की आज्ञा दो। राम 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 सीता।